अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाने? हाँ, बुला के ला दी उनको। किनको? उनको। उनको किनको? हमारे उनको जी। आपके किनको जी? मियाँ को बुला दी हूँ। बुला लो। हाँ सुनो, उठो जी। हाँ। कौन थे आए देखो आपके? कौन? जाके देख लो। तुम नाम नहीं पूछे? नहीं। मेरे कौन की इतनी सुबह नहीं आते? नहीं आते क्या? आए जी, सोफे पे बैठे हुए है। अरे बिना नाम पूछे ऐसे बिठा देते अंदर? मैंने बिठाई जी, ऑलरेडी बैठे हुए थे। शाहरुख नींद में दरवाजा खोल दिया शायद, उसकी शादी हो गई मगर अक्ल नहीं आई अभी तक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाने? अपन पहले मिले थे। हाँ, कब? जब वही शादी में। भेज रहा हूँ बच्ची को। कौन बच्ची? किसकी शादी? अरे ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, भेजो। हाँ जी, वो ज़ैनब के मामू चिच्चा कोई है, शादी में देखे ऐसा ख्याल है मेरे को। 4 साल हो गए शादी को, अब तक याद है आपको? ज़ैनब बोली थी ना उसके कोई आने वाले है बाहर से बोल के। ऐसा? हाँ। उठाती हूँ उसको फिर। जाओ जल्दी, कब से बैठे हैं कि बेचारे। इनको देख के अम्मी याद आ गए, इनको मारने में बहुत मजा आएगा। ज़ैनब, 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 ज़ैनब। शाहरुख अम्मी, तुम्हारे को बुला रहे हैं, आ जाओ। कहीं को बुला रहे हैं? फिर ज़ैनब तुम्हारा ही तो नाम है ना? ज़ैनब ही ना? सोफे पे बैठे। अच्छा जी। अरे साले कब अंकल, आप फोन क्यों नहीं करे? स्टेशन को आ जाते थे पिक करने। काहे को तुम लोगों को तकलीफ? क्या तुम लोग स्टेशन से प्लेन में ला रहे थे क्या? गाड़ी में लाते आखिर, इसलिए कैब से आ गया मैं। वैसे तुम्हारे को मेरा नाम याद है ना? खाली वही अंकल बोलते हैं। शरीफ अंकल, अच्छा याद है। तुमको मैं जब देखा तुम इतने थे, तुम मेरे को तंग करते थे, शरीफ अंकल चॉकलेट दिलाओ, शरीफ अंकल चॉकलेट दिलाओ, शरीफ अंकल चॉकलेट दिलाओ। शरीफ अंकल चाय? नाश्ता करके पीता हूँ, खाली पेट एसिडिटी हो जाती। जी बना रही हूँ। वैसे तुम्हारा तीनों चाय घर में? नहीं, शाहरुख भी है ना मेरे हस्बैंड। शादी कर ली बच्ची, बुलाई नहीं वो? अब तो मिला दे जा उसको। जी। कौन तो भी आई है, फर्स्ट टाइम मिली मैं? वो अंकल है। मैं कब बोली जवान पोटा है बोल के? ये अंकल कौन है, इनके आंटी कौन है, पूरी स्टोरी सुना। मैं सब सुनाती हूँ, आप आइए। आइए अम्मी, इधर बैठिए। शाहरुख, शाहरुख दल गए रोटियां, कुल्ली करके आ रहा हूँ। नहीं जी सुनो। ज़ैनब इतने बार बोला तुमको नाश्ता रेडी हुए तक मेरे को नहीं उठाना बोल के। अरे यारो रोज लड़े होती ना इस पे, तुम उठे तो मेरे को उठाना जरूरी नहीं है, सुन दो मेरे को। मेरे अंकल आए, आप नहीं मिलते उनसे? अब आपके रिश्तेदार भी आए तो मैसेज करूँ? अंदर बैठे रहूँ? अंकल आए? कौन अंकल है तुम्हारे? मैं भी जब से वो पूछ रही हूँ। मैं पापा को बुला के ला रहा हूँ। ज़ैनब को तो पहले मारूंगा। अंकल बोलती? पापा जरा चलिए ना। क्या हुआ, गैस ऑन नहीं हो रही क्या? उसको रेट को पलटा दो खटके को। नहीं पापा, आपसे कुछ बात करने का है, चलिए। ऐसा? हाँ। चल बात करने, चल। पापा ये मेरे अंकल है। अंकल ये मेरे ससुर। मिला मैं अभी, बैठिए, आ रहा मैं। हेड ऑफ द फैमिली दिख रहा, इसका हेड निकाल देता हूं। अब सुनिए सब। क्या है रो?
ओके तो सब सुनिए, बाहर जो अंकल बैठे हुए हैं ना, उन्होंने मेरे डैड के दोस्त थे पुलिस फोर्स के, अब उन्होंने रिटायर हो गए तो खेती बाड़ी कर ले रहे। ऐसा रहना रिटायरमेंट है नेचर में। नहीं पापा, मेरा तो कैसा रहना, इतना बड़ा मेंशन रहना। ये रिटायरमेंट प्लान्स मैं रात के 8 बजे शेड्यूल करी, जब सुनेंगे अपन। ज़ैनब तो मेरे पापा को, पापा को नहीं आपको, आपको बोल रहा हूँ। सुन रहा आ रहा हूँ, एक अंकल है जो तुम्हारे डैड है। मेरे डैड नहीं, मेरे डैड के दोस्त हैं एकदम खास। तो अभी उन्होंने गांव से 2 दिन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो डैड बोले मेरे बेटी के घर पे रुक जाओ। तुम्हारे बाबा के दोस्त है तो इधर गई को, उनके घर पे जगह नहीं है। फसल में ना इट्स अ टॉप सीक्रेट, डैड किसी को भी नहीं बोलना बोले। ठीक है हमारे को तो बोलो। सीक्रेट ये है कि उनकी जान को खतरा है, पुराने गुंडे उनके पीछे पड़े हुए हैं और कभी भी उन पर अटैक करके उनको मार सकते हैं। अब डैड का घर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, सेफ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे रुको बोले। ज़ैनब फिर अपनी सेफ्टी का क्या, वो गुंडे अपने घर में घुस के अपने को अंता पख पिला कर जाए तो। अच्छे बाबा है तुम्हारे, खुद उधर सेफ, हम मर जाना। अरे क्या अम्मी मेरे ससुर है तो क्या मैं सुन लेता हूँ, समझ रहे। ज़ैनब तुम्हारे बाबा है तो क्या मैं सुन लेना, वो अंकल को बोलो ओयो देख लो, बोलो यारो उससे ज्यादा सेफ कोई भी नहीं है जगह, ट्रस्ट मी। अरे शाहरुख उन्होंने मेरे डैड के खास दोस्त है बोली ना, मैं कैसा चले जाऊं बोलूं, ही विल बी हर्ट। गाइस प्लीज मेरे लिए 2 दिन की तो बात है और आप लोगों की सेफ्टी की गारंटी मेरी। ठीक है रख लेंगे, वादा कर रही है बच्ची, क्या कर सकते। यस थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जाओ आप सोने दो। अरे अंकल को सलाम करके तो आओ, आके सो जाओ फिर। पापा बोलिए इनको। अरे अब क्या आ रहे हो, तो बड़े हो गए ना, अभी भी सिखाना, जाओ बड़ों को सलाम करो। ये रूम का ऐसे कितना ठंडा कर रहा ना जी। अच्छा अब सब उठ गए, बंद करो एसी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो ये था गाइस पार्ट 1, पार्ट 2 आने वाला है फ्राइडे और पार्ट 3 आने वाला है संडे। जब तक क्या करो, अबरार भाई का जबरदस्त किराक मौत रैप सॉन्ग आया हुआ है, माक का फाइट उनका रैप नेम है, और चैनल की लिंक नीचे डाल दिया, जाके गाना सुनो, खाली गाने का नाम है टाइम बॉम्ब, आखिरी रैप है, गाड़ी में अब खाली वही चल रहा मेरे, चेक इट आउट और सब्सक्राइब भी करो वो चैनल पे अपना ही है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद स्टे खिराक।